भगत तेरे मन पावदे दर सोहन कीरत गावदे नानक कर्मा बारे डर टो न लहनी ताव दे एक मूल न भोजन आपना अनहोदा आप गनाई दे हौ दाडी का नीच जात और उत्तम जात सदाई दे तिन मंगा जे तुझे त्याई दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि मनुख जन्म लेता है, अपने पीछे बीजे हुए संस्कारों को साथ लेकर आता है। वो संस्कार जो उसकी पिछले जन्मों में उसने कर्म किए होते हैं, जो संस्कार बन गया होता है, उसी संस्कार के अनुसार इस जन्म में भी मनुख वैसा ही कर्म करता है। भले ही फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि एक भाई गुरुमुख होता है और दूसरा भाई मनमुख होता है। वो शायद इसलिए ऐसा होता है कि जो गुरुमुख है उस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में शायद भक्ति की हो, तो आज उसे गुरुमुखी जीवन मिला, और जो मनमुख है शायद वो पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करता हो जिस प्रकार मनमुख करते हैं, तो इस जन्म में भी वो मनमुख ही होता है। परंतु ऐसा भी देखा गया है कि जैसे घर का माहौल होता है या फिर उस मनुख को ऐसी संगत मिल जाती है जिस संगत के कारण वो मनमुख भी आगे चलकर गुरुमुख बन जाता है। आम हम संसार में देखते हैं जो व्यक्ति कभी अपना समय नष्ट करता था मनमुखों की तरह दर दर भटकता था, परंतु उस मनमुख को जब गुरुमुख का साथ मिल गया तो उसका उद्धार हो जाता है। वो मनमुख भी कभी गुरुमुख बन जाता है। जब वो किसी गुरुमुख को देखता है नाम जपते हुए, भक्ति करते हुए, सेवा निभाते हुए, तो उसके मन में भी चाव पैदा होता है गुरुमुख बनने का, भक्ति करने का, सेवा करने का। ऐसे बीज वो बो देता है कि आगे चलकर उसे बहुत ही मीठा फल मिलता है। इस प्रकार की बातें हम आम संसार में देखते हैं कि एक मनमुख भी आगे चलकर गुरुमुख बन गया। एक बार तो ऐसे हमने संसार में देखा कि एक व्यक्ति जिसका खानदानी होटल था नॉनवेज का,
जो कि जानवरों को मरवा कर अपने होटल में पकाते थे। धंधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु जब गुरु की कृपा होनी होती है, बख्शिशें होनी होती है, मेहर होनी होती है, तो व्यक्ति आप चलकर गुरुद्वारे आता है और गुरु उस पर कृपा कर देते हैं। उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बंबई से गुरुद्वारे माथा टेकने आया, अरदास करके प्रसाद लेकर जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को निहार रहा था, तो गुरु साहिब जी की ऐसी कोई कृपा हुई कि उसका मन बदल गया। उसी वक्त उसने सोच लिया कि मैं अब तक जो धन कमा रहा हूँ वो जानवरों को मारकर मरवाकर उनका मीट बेचकर इस प्रकार का धन कमा रहा हूँ जो कि आगे चलकर मुझे तकलीफ देगा, पछताना पड़ेगा। कई बार अक्सर हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य सोचता है कि भाई मैं तो सिर्फ बेच रहा हूँ, होटल चला रहा हूँ, लोगों को भोजन चखा रहा हूँ, मैंने किसी जानवर को मारा तो नहीं, और खाने वाला यह सोचता है कि भाई मैंने भी जानवर मारा नहीं, मैं तो सिर्फ खाता हूँ। भाई तू खाता है और होटल वाला बेचता है तो ही तो कसाई काटता है। यदि तू खाए ना, होटल वाला पकाकर बेचे ना, तो कसाई काटेगा कैसे? बिकता है कोई खाता है तभी तो कोई काटता है। इसका विचार करना बहुत अवश्य है। कई बार तो ये भी सुनने में मिलता है संसार में कि भाई ये तो हमारा कर्म है, हम कर्म करना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे। भाई तुझे यही कर्म मिला था कि जानवरों को मारकर या मरवाकर दूसरों का पेट भरे? नहीं भाई, तो कुछ और भी तो कर सकता था। ग्रंथी भी तो एक कर्म कर रहा है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा करता है, अरदास करता है। तुझे ये कर्म मिला था, वो कर्म जो कि असुरी कर्म है, उस कर्म को निभाकर, एक दैत्य के कर्म को निभाकर मनु यदि ये सोचे कि उसे दिव्य वरदान मिल जाएंगे, उसका भला हो जाएगा, तो ये उसकी मूर्खता है, नादानी है, नासमझी है। किसी भी जानवर को मारना या मरवाकर आगे बेचना या उसे खाना, ये सभी पाप है, पाप कर्म है। यहाँ तक कि जब हम शमशान घाट से होकर आते हैं, शव यात्रा से होकर आते हैं, या कोई शरीर छोड़ देता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ से भी व्यक्ति होकर आता है, तो पहले आकर स्नान पानी करता है, अपने आप को पवित्र करता है। और आज कोई जानवर खाकर ये कहे कि मैं पवित्र हूँ, ये उसकी नासमझी है। और कुछ मूर्ख तो ऐसे भी होते हैं जो कि पीर औलियों के दर पर जाकर माथा टेकते हैं, जो ऐसा भ्रम फैलाया हुआ उन्होंने कि वो पीर था,
उसी कब्र पर माथा टेकेंगे तो भला हो जाएगा। यह हमारी मूर्खता है जो व्यक्ति उस दर पर जाकर माथा टेकता है। जरा सोचिए, एक शव यात्रा पर जाकर घर पर आकर इंसान नहाता है तो एक पीर के शव पर जाकर माथा टेकने से क्या वो पवित्र हो जाएगा, क्या उसका भला हो जाएगा? ऐसा सोचना और करना दोनों मूर्खता है, नादानी है, बेवकूफी है। ये भी सब संगत के कारण होता है। कई बार ऐसे हमें मूर्ख लोग मिल जाते हैं, सेक्युलर लोग, बेवकूफ लोग, जो कि हमें गलत राह पर ले चलते हैं। ये संगत जो होती है वो मनो के विचार बदल देती है, और इसी संगत के कारण ही इंसान आगे चलकर नर भोगता है। परंतु धन है वो व्यक्ति जिसे अच्छी संगत मिलती है, गुरुमुखों की संगत मिलती है, अच्छे व्यक्ति की संगत मिलती है। जो व्यक्ति आप जुड़ा होता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी जोड़ देता है प्रभु के साथ, और जो व्यक्ति अपने साथ जोड़ ले उनसे दूर रहना ही बेहतर है, अच्छी बात है। और जो मनमुख हमें गलत राह पर ले चले उनसे भी दूर रहना ही बेहतर है, उसी में समझदारी है। जिस प्रकार एक बहुत ही आम कथा आती है एक पंडित की, जो कि हमेशा प्रचार प्रसार करता था, कथा सुनाता था, कीर्तन करता था, परंतु अंदर से वो पवित्र नहीं था। परंतु एक माता ने जब उसकी कथा सुनी, कीर्तन सुना, उस पंडित ने उस कथा में कह दिया था कि यदि कोई व्यक्ति नाम जपे, भक्ति करे, तो वो भवसागर से पार लग सकता है। जब उस माता ने कथा सुनी, वो घर की तरफ लौटकर आ रही थी तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी उसके घर पर। जब उसे वो नदी पार करनी थी तो उसे पंडित जी की वो कथा याद आई कि जो व्यक्ति नाम जपता है, भक्ति करता है, वो भवसागर से पार लग सकता है। तो ये छोटी सी नदी है, मैं भक्ति करती हूँ, अमृत वेला संभालती हूँ, सेवा बंदगी में जुड़ती हूँ, जरा देखूँ मैं ये नदी पार कर सकती हूँ या नहीं। उस माता ने क्या किया, आज नाव का सहारा नहीं लिया, कुदरती ऐसा कुछ हुआ कि उस जगह पर नाव खड़ी ही नहीं थी, वो दूसरी और दूसरी पार गई हुई थी यात्रियों को छोड़ने के लिए। तो माता ने नदी पर चलना शुरू कर दिया, और चलते चलते पानी पर चलकर उसने नदी पार कर ली, और दूसरे दिन आकर पंडित जी से कहा कि आपकी संगत करके मैं धन्य हो गई, मैं कल नदी पार करके चलकर गई थी पानी के ऊपर चलकर। पंडित सुनकर हैरान हुआ, वो कथा तो करता था कि नाम जपने से व्यक्ति भवसागर को पार लग जाता है, पर इस माता ने तो करके दिखा दिया। ये होती श्रद्धा, भावना, मन की इच्छा जब प्रबल होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पानी पर भी चल सकता है।
जब प्रभु की कृपा होती है, बख्शीश होती है, मेहर होती है, जब व्यक्ति के भाग जाग जाते हैं, तो प्रभु आप कृपा करता है, आप निहाल होता है। ये होता है संगत का असर। जब हम किसी अच्छे व्यक्ति की संगत करते हैं जो कि अपने साथ नहीं जोड़ता, गलत राह पर नहीं जोड़ता, बल्कि वो व्यक्ति प्रभु के साथ जोड़ देता है, धन्य है, पहले तो ऐसे में कहूँगा, व्यक्ति जो कि प्रभु के साथ जोड़ते हैं। नहीं तो अक्सर ये देखा गया है संसार में, अपने भले के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे कई संस्थान भी खुल गए हैं जो कि धर्म से उलट बात करते हैं, धर्म को नकार देते हैं, यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं था, और लोग जाकर वहाँ पर ये सोचते हैं कि उनके पाप भूल जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। ये उनकी मूर्खता है, नादानी है, नासमझी है। गुरु ही कृपा करे, प्रभु ही मेहर करे, हमें ऐसे संस्थानों से हाथ देकर बचाकर रखे, ताकि हम कभी अपने धर्म को ना छोड़ें, अपने गुरु को ना छोड़ें, कभी विमुख ना हो जाए। क्योंकि जो मनुष्य गुरु से विमुख हो जाता है, उसे कभी उद्धार नहीं होता, उसी तो फिर आगे चलकर 84 दुनिया ही भोगनी पड़ती हैं और कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो ये जो संगत है वो मनुष्य को या तो स्वर्ग या तो नरक दिला देती है। आज जो हम कथा सुनने जा रहे हैं वो है माता बिल्ली जी की। ये कथा हमें स्कंद पुराण में मिलती है। खासकर जो शिव भक्त होते हैं उन्होंने कथा सुनी हुई होती है, वो आम सुनते रहते हैं। कथा कोई भी हो, परंतु जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जिस कथा से हमारा उद्धार होता है, हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, सुनकर हमारा समा सफल होता है, सुनकर हमारा उद्धार होता है, तो हमें जरूर सुननी चाहिए। हुआ यूं था कि पांचाल देश का एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम इतिहास में सिंह केतु आया है। कहते हैं वो राजा बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, शिव की आराधना करता, पूजा किया करता, भक्ति किया करता था। परंतु इसके अलावा उस राजा को एक शौक था शिकार करने का। वो रोज सुबह उठकर शिव भक्ति तो किया करता, परंतु उसके उपरांत शिकार करने जाता था। ऐसी उसकी दिनचर्या थी, शिकार खेलना उस वक्त राजाओं का शौक हुआ करता था, और ऐसा ही शौक पाला हुआ था सिंह केतु ने। दरअसल देखा जाए तो पहली बात तो हमें किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि
उसे भी प्रभु ने बनाया है, उसे भी जीने का हक है। किसी जानवर को मारना या मारकर खाना ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से जो बच जाए वो धन्य है, नहीं तो आज हम उसे मार रहे हैं कल वो हमें मार सकता है। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हम आगे चल कर भोगते हैं। यदि हम किसी को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो आगे चलकर भी हमें दुख ही मिलता है। हम किसी जानवर को तड़पा तड़पा कर मारेंगे तो हमें भी तो आगे चल के तड़पना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख देंगे तो वापस चलकर दुख वापस हमारे पास ही आ जाएगा, दुख हमें भोगने पड़ेंगे आगे चलकर। तो जितना हो सके किसी जानवर को ना मारें, किसी की हत्या ना करें और ना किसी से करवाएं, क्योंकि हम खाएंगे तो ही कोई बेचेगा, तो ही कोई काटेगा। सब पाप में आता है, पाप की गिनती में आता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो अब हुआ यूं कि वो राजा रोज शिकार करने जंगल जाता, शिकार करके लाता। कहते हैं एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन राजा जंगल में भटक गया, एक हिरण के पीछे दौड़ता दौड़ता वो घने जंगल के अंदर पहुंच गया और उस राजा सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखाई दिया। राजा शिकार की धुन में आगे चला गया, आगे बढ़ गया। परंतु कहते हैं राजा का एक सेवक था, राजा का सेवक भील ने ध्यान से देखा तो शिव मंदिर था जिसके भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग था, पत्तों के बीच में एक शिवलिंग पड़ा हुआ दिखाई दिया उसे। कहते हैं उस भील का नाम इतिहास में चंड आया है, जो कि जंगल में रहा करता था, उस राज्य के पास रहा करता था जिस राज्य का राजा सिंह केतु था। और जैसे कि राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, राज्य में भी सभी लोग धार्मिक हो गए थे। और ये जो भील था उसके अंदर भी धार्मिकता उसे प्रभावित कर रही थी। भगवान को पूछने लगा था, मन ही मन ध्याने लगा था। कहते हैं चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग को, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग हो चुका था, तो इस भील ने क्या किया, वो शिवलिंग को खाड़ लिया और राजे के महलों में ले आया। चंड ने आकर, भील ने आकर राजा के चरणों में बेंती की कि हे राजा, ये शिवलिंग निर्जन में पड़ा था, आप यदि आज्ञा दें मुझे
तो मैं इसकी संभाल करूंगा, मैं अपने पास रखूंगा, इसकी पूजा करूंगा। मुझे आप सिर्फ इसकी पूजा करने की विधि बता दें। इसकी पूजा करके मैं पुण्य कमा सकूंगा, मुझ पर कृपा करें। कहते हैं राजा ने कहा, चंडभील इसे तुम रोज नहलाया करना, स्वच्छ और निर्मल जल से शिवलिंग को रोज नहलाना, इस पर फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, पुष्प चढ़ाकर बेल पत्तियां इनके आगे रखना, मीठे फल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव का ध्यान करना, धूप दीप बत्ती करना, दिया जलाना, इस प्रकार भक्ति करना। फिर कहते हैं राजा सिंह केतु के मन में ना जाने ऐसा क्या आया कि राजा ने मजाक मजाक में ये कह दिया भील से कि शिवलिंग पर चिता भस्म जरूर चढ़ाना, और वो भस्म जो कि ताजी चिता राख की हो वो चढ़ाना, फिर भोग लगाना और भक्ति में झूमना नाचना गाना। कहते हैं राजा ने जंगल के पास रहते भील से ये सब कुछ कहकर वो शिकार के लिए आगे घने जंगलों में चला गया। अब कहते हैं इस भील ने अपनी बुद्धि के मुताबिक पहले तो शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ किया, साफ करके पानी से नहलाकर उसे पोछा, पोछने के उपरांत उस पर पुष्प चढ़ाए, बेलपत्ती चढ़ाई, दिया आगे रखा और प्रभु का जाप करने लगा, स्मरण करने लगा। अब कहते हैं उस भील की एक पत्नी थी। अब कहते हैं जब भील की पत्नी ने देखा कि भील तो पूजा पाठ में मग्न है, अब पत्नी के मन में भी प्रभु के प्रति सत्कार जागने लगा। उसे ज़्यादा पाठ पूजा करना नहीं आता था, ना ही वो भक्ति करना जानती थी, ना ही उसने कभी की थी, ना ही कभी किसी को करते हुए देखा था। परंतु जब भील को पूजा पाठ करते हुए देखा तो उसके मन में एक श्रद्धा आस्था जाग गई। और कहते हैं उस भीली ने भील का साथ निभाना शुरू कर दिया। भील के पूजा करने से पहले ही उसके लिए जो सामग्री थी, पुष्प बेलपत्ता इत्यादि दिया सब कुछ वो तैयार करके रखती थी। और भील जाकर चिखा से भस्म ले आया करता था और भक्ति में दोनों मग्न रहते थे। ऐसे उनका रोज का संस्कार बन गया था, दिनचर्या बन गई थी। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, दोनों के अंदर हृदय में
अब भक्ति जाग गई थी, दोनों ही भक्ति में लीन रहते, प्रभु का सिमरन किया करते, नाम जपते, प्रभु को ध्याते थे। अब कुछ ऐसा हुआ, एक दिन भील जब पूजा में बैठा तो सारी सामग्री भीली ने तैयार करके रखी थी ताकि भील पूजा कर सके, प्रभु को ध्या सके। परंतु जब भील ने ध्यान से देखा तो चीखा कि ताजी भस्म तो वहां पड़ी ही नहीं थी। उसने सोचा कि शायद मैं भूल रहा हूं, मैंने रात को जाकर अमृत वेला में जाकर चीखा से ताजी भस्म लेकर ही नहीं आया, मैं भूल रहा हूं। क्योंकि भक्ति अब इतनी ज्यादा प्रचंड हो चुकी थी कि उसे याद नहीं रहा भक्ति करते करते भस्म लेके आना भूल गया था। और कहते हैं भस्म ले जाने के लिए जब वो चीखा के पास पहुंचा तो देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। फिर सोचने लगा कि शायद मैं ले गया होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। घर जाकर डब्बे में देखा तो वहां भी कुछ नहीं पड़ा। अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, राजा ने तो कहा था कि रोज प्रातःकाल सुबह उठकर अमृत वेले चिता की भस्म चढ़ाना शिवलिंग पर, आज कैसी भक्ति हो पाएगी। और कहते हैं भीली ने उत्तर दिया, भीली ने आगे आकर कहा कि हे पतिदेव, हमारा घर बहुत पुराना हो चुका है, लकड़ियां भी सड़ चुकी हैं, हम कुछ ऐसा करें कि अपने घर को जला देते हैं और मैं इस घर के अंदर प्रवेश कर लेती हूँ जलते हुए घर पर, और जो मेरी चीखा जलेगी, जो राख जो भस्म आपको मिलेगी वो शिवलिंग को चढ़ा देना। ये सुनकर पहले तो भील हक्का बक्का रह गया कि अपनी पत्नी को कैसे जला सकता है, वो नहीं माना। परंतु कहते हैं भीली ने बहुत जिद की और कहा कि पतिदेव, इसी में ही हमारी भलाई है, तभी हमारी भक्ति पूर्ण हो सकेगी और शिव जी हम पर प्रसन्न हो सकेंगे। भक्ति में वो दोनों इतने लीन थे, शिव जी को इतना ध्याते थे कि भक्ति में वो क्या करने जा रहे हैं वो सोच ना सके। क्योंकि कहते हैं ना, जो व्यक्ति दिमाग से सोचता है वो धन तो कमा लेता है, दुनिया की नजरों में आगे बढ़ जाता है, बहुत धनवान व्यक्ति बन जाता है। परंतु एक तरफ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, सेवा करता है, बंदगी करता है, प्रभु को ध्याता है, हर पल नाम जपता है, अमर विरह संभालता है, कई बार ऐसा ये देखा गया है कि वो व्यक्ति बहुत गरीब होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिल से सोचते हैं, वो कभी कपट नहीं करते, गलत काम नहीं करते, गलत राह पर नहीं चलते। शायद वो गलत राह पर चलते तो वो भी धन कमा सकते थे, परंतु नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वो नाम जपकर भक्ति करके
प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं और जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं, कभी छल नहीं करते, कपट नहीं करते। ऐसे ही थे भीलों भीली जो कि प्रभु की भक्ति में अब लीन रहने लगे थे। जैसे तैसे कर कर भीली ने भील को मना लिया कि यही अब एक अवसर है, हमें महादेव को शिव जी को प्रसन्न करना है और इस अवसर को भी छोड़ना नहीं है। भीलनी की जिद के आगे भील ने हार मान ली। भील मान गया कि ठीक है, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो ऐसा ही हम करेंगे। अब कहते हैं बहुत ही श्रद्धा से नाम जपते जपते भीलनी ने स्नान किया और पवित्र होकर अच्छे वस्त्र पहनकर प्रभु की भक्ति करते करते नाम जपते जपते भीलनी ने अपने ही घर में आग लगा दी। और कहते हैं भीलनी ने अपने ही घर की परिक्रमा की उपरांत भगवान का ध्यान करके प्रभु का नाम लेकर शिव जी का जाप जपते जपते जी उस जलते हुए घर में प्रवेश कर गई। कहते हैं ज्यादा समय ना बीता और शिव भक्ति में लीन रहकर भीलनी ने जलकर वो भस्म हो गई थी। कहते हैं उपरांत भील ने उस भस्म को उठाया, शिवजी पर चढ़ाया और वो इतना मग्न हो गया था भक्ति में कि क्या हो गया है, उसने क्या कर दिया है, उसकी पत्नी ने क्या कर दिया है, उसका उसे विचार ही नहीं किया, सिर्फ नाम जपता रहा, शिवजी को ध्याता रहा। शिव भक्ति में उन्होंने अपना घर जगा दिया था, यहाँ तक कि उनकी घरवाली को भी खो दिया था, इसका उन्हें दुख नहीं था। वो तो शिव भक्ति में इतना ऊपर उठ गए थे कि नाम जपते जपते शिव को ध्यान रहे थे, शिव को पुकार रहे थे। कहते हैं जब शिव जी की पूजा संपन्न हुई, पूजा के उपरांत पूजा के बाद बहुत ही उत्साह से, जैसे कि भील हमेशा अपनी पत्नी भीलनी को पुकारता था प्रसाद लेने के लिए पूजा के उपरांत, उसी प्रकार आज भी भील ने भीलनी को पुकारा कि भीलनी आ जाओ, प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद आकर खाओ। कहते हैं जैसे ही भील ने अपनी पत्नी भीलनी को आवाज दी, उसी क्षण घर के भीतर में से उसकी पत्नी बाहर आई और जैसे ही वो पास आई उसे ध्यान आया कि भीलनी तो जल चुकी थी, उसी की राख को तो मैंने शिवजी पर चढ़ाया था, तो ये क्या, ये किसका घर है, ये किसी घर में से भीलनी बाहर आई है। जब भील ने भीलनी से पूछा कि तुम तो उस आग में चली गई थी, फिर ये घर कैसा, तुम कैसे बाहर आ गई, कहते हैं भीलनी ने सारी बात सुनाई कि जब मैं घर को जलाकर
घर की परिक्रमा करके घर के भीतर जा रही थी तो मुझे नींद आ गई। जब मैं घर के भीतर जा रही थी तो जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जल के अंदर जा रही हूँ, पानी के अंदर जा रही हूँ, नदी में जा रही हूँ, शीतल जल में जा रही हूँ। और मुझे इतनी गहरी नींद आई कि जब आपने पूजा के उपरांत प्रसाद लेने के लिए मुझे पुकारा, मुझे आवाज़ दी, तब मैं नींद से जाकर घर से बाहर आ गई। बिल्ली और बिल दोनों समझ गए थे कि उन पर प्रभु की कृपा हो गई है, प्रभु शिव उन पर प्रसन्न हो गए हैं, उनकी शिव भक्ति पूर्ण हुई है, प्रभु उन पर ध्यान हो गए हैं। उसी वक्त कहते हैं अचानक आकाश से एक विमान आया, उस विमान से कुछ देवता उतरे और कहते हैं जैसे ही उन लोगों ने भील और बिल्ली के शरीर को हाथ लगाया तो दोनों के ही शरीर दिव्य हो गए थे। दोनों ने शिव का नाम जपते जपते, प्रभु को ध्याते ध्याते वो शिवलोक पहुंच गए। ऐसी थी भील और बिल्ली की भक्ति। जब कोई मनुख प्रभु को इस प्रकार ध्याता है फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, अपने शरीर का वो त्याग कर देता है। जब नाम जपते जपते वो संसार को भूल जाए, भक्ति में इतना लीन हो जाए, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। और आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम कहां पर खड़े हैं, हमें इसका विचार आप करना है। आज हम संसारिक वस्तुओं में इतना खो गए हैं कि प्रभु को ही भूल गए हैं। माना कि हम सेवा के लिए आते हैं गुरुद्वारे में, मंदिरों में सेवा भक्ति भी करते हैं, अपन विलास संभालते हैं, परंतु संसारिक वस्तुओं से अभी भी हमारा नाता नहीं टूटा। आज भी हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमारा ऐसा भला हो जाए, वैसा हो जाए, हमें आगे चल के इतना धन मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। यदि किसी के पास साइकिल है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो मारुति चाहिए, मारुति है तो फोर्ड चाहिए, फोर्ड है तो ऑडी चाहिए, ऑडी है तो जैगुआर चाहिए, जैगुआर है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही प्रभु ने हमारी एक इच्छा पूरी की, हमारी दूसरी इच्छा पहले खड़ी हो जाती है कि हम अब हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। प्रभु ने हमें घर दिया तो बंगला भी चाहिए, बंगला मिल गया तो बंगला छोटा है और बड़ा चाहिए, वो भी हो गया तो हम कहते हैं कि अच्छी जगह पर चाहिए, ये तो गांव खेड़ा है, कस्बा है, शहर में चाहिए। तो ये भाई जिन जिन को मिल गया उनसे जाकर यदि पूछें तो उनकी भी इच्छाएं और बड़ी हो जाती हैं, परंतु इच्छाएं खत्म नहीं होती। परंतु धन है वो व्यक्ति जो धन बदारत में रहकर भी, सुख सुविधाओं में रहकर भी प्रभु को ध्याता है, संतुष्ट रहता है, भक्ति में जुड़ता है। जब हम गुरुमुखों को देखते हैं, गुरुओं की साखियों को सुनते हैं कि किस प्रकार हमारे पुरातन सिख भी ऐसे थे जिन्होंने भक्ति में अपने शरीर को नहीं देखा,
यदि हम भाई मतीदास जी की बात करें जिनको आर्य से चिरा दिया गया था, परंतु वो नाम जपते रहे, वाणी पढ़ते रहे, गुरु को ध्याते रहे, उनका शरीर आर्य से चिराया गया था, सर से लेके पांव तक शरीर काट दिया गया था, परंतु उन्होंने गुरु का शुक्र किया, क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा? जब व्यक्ति भक्ति में इतना लीन हो जाता है, वो शरीर को त्याग देता है, शरीर को भूल जाता है। भाई दयाला जी जिनको एक बड़े घड़े में आलू की तरह उबाल दिया गया था, भाई सतीदास जी जिनको रूई में लपेट कर शहीद कर दिया गया था, भाई मनी सिंह जी जिनके बंद बंद काटे गए थे, कई सिख ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान किया, शहीदियां प्राप्त की। जरा सोचिए वो सिखनियां कैसी होंगी, वो माताएं कैसी होंगी जिनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने काट कर, उनका हार बनाकर माताओं के गले में डाला गया होगा, उनकी श्रद्धा कितनी होगी प्रभु के प्रति, कितनी बड़ी उनकी भक्ति होगी, कितनी ऊंची उनकी अवस्था होगी। ऐसी साखियों से, ऐसी कथाओं से हमें सीख मिलती है कि भक्ति कैसे करनी है, नाम सिमरन कैसे करना है। नहीं तो हम संसार में देख रहे हैं कि कई व्यक्ति रोज गुरुद्वारे आते हैं, माता देखते हैं, बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, यहाँ तक कि इतना शरीर गल गया कि अब जाने का वक्त आ गया, परंतु आज भी हमारे अंदर वो प्रेम नहीं जागा, वो भक्ति नहीं जागी, वो श्रद्धा नहीं जागी। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो हमें प्रेम चाहिए। हमारे अंदर हृदय में प्रेम जाग जाए, हम प्रभु से प्रेम करें, संसारी वस्तु से प्रेम ना करें। साच कहो सुन लेहो सब, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रपायो। जिसके हृदय में प्रेम बस जाता है, प्रेम पलता है प्रभु के प्रति, वो संसारी वस्तुओं को छोड़ देता है, उसे प्रभु की प्राप्ति होती है, उसका जीवन सफल होता है। जिस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी आती है सुही राग में, सतगुर पास बेनतियां मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पाचा ताप गया संसारा, भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सृजनहारा। जो भगत संसारी वस्तुओं को त्याग कर प्रभु के साथ जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु आप उनकी भक्ति को अपनाता है, उन पर निहाल होता है, उन्हें तार देता है। और आम हम संसार में देखते हैं भक्ति के बिना लोग ऐसे ही विचर रहे हैं जैसे कि मूर्ख हो। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी की वाणी आती है 16 राग में, माया ममता मोहनी जिन विदंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिन्नी सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया, तंदा करतया नहफल जन्म गवाया, सुखदाता मन न वसाया, नानक नाम तिना को मिलिया जिनको दुर्लिख पाया। बिना नाम के
बिना भक्ति के हम जग में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि लोग कमलों की तरफ ही रहे हैं, पैसों के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। हमें मनोजीवन मिला है नाम जपने के लिए, बंदगी करने के लिए, सेवा करने के लिए, और हम कर क्या रहे हैं? ठगियां करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं पैसों की खातिर। ये सब करके हमें ये सोचना है कि क्या हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। आज जो हमने भिंडी की कथा सुनी है उससे हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में हमें अपना आपा बांट देना है। जिस प्रकार सिखों ने शहादतें प्राप्त की, अपने शरीर को तक नहीं देखा, शहीदियां प्राप्त कर ली, उनसे हमें सीखना है कि हम पैसों की खातिर, थोड़े से धन कमाने की खातिर किसी को हम बेवकूफ ना बनाएं, किसी को धोखा ना दें, किसी को मूर्ख ना बनाएं, तभी हमारी भक्ति सफली होगी। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम सच्ची राह पर चलें, प्रभु को ध्यानें, प्रभु के साथ जुड़ें, और ये सीख मिलती है कि हम अच्छी संगत करें, गुरुमुखों की संगत करें, अच्छी व्यक्तियों की संगत करें, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा जीवन सफला हो सके। क्योंकि अच्छी व्यक्ति जो होते हैं, भले व्यक्ति जो होते हैं, गुरुमुख जो होते हैं, वो खुद तो प्रभु के साथ जुड़ते ही हैं, वो हमें भी प्रभु के साथ जोड़ देते हैं और हमारा जीवन भी सफला हो जाता है, हम भी भवसागर से पार लग जाते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होगी, सात सात भक्षण जो हो भला भक्ष्य हो, और सात सात अजीब भक्षों की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लाख चूड़ियाँ न भोगनी पड़े, ऐसी असीब भक्षणा मैं भवसागर से तर जाऊँ, ऐसी ऐसी बचना मेरा परिवार सुखी बसे, ऐसी ऐसी बचना परिवार में सुख शांति रहे, सबकी देह अरोगता रहे, ऐसी ऐसी बचना। फतेह का जवाब फतेह में दें, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।